So next topic is measurement of power. Measurement of power and power factor using टू वॉट मीटर मेथड से हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि टोटल पावर मेजर्ड यूजिंग टू वॉट मीटर इज इक्वल टू थ्री फेज पावर. मैं स्टार कनेक्टेड नोड लेता हूं. ये फेज आर, यहां पर एक वॉट मीटर कनेक्टेड है. ये मैंने आपको बताया था कि यहां ध्यान रखना है, ये इससे कनेक्ट होगा. सो दिस इज फेज आर, दिस इज फेज वाई, दिस इज फेज बी, दिस इज डब्ल्यू वन, दिस इज डब्ल्यू टू. ये आर फेज है. आर फेज में दिस करंट इज आई आर, दिस करंट इज आई वाई, दिस करंट इज आई बी, दिस इज ई आर, दिस इज ई वाई, दिस इज ई बी. सो टोटल पावर अगर हम ऐसे देखते हैं, टोटल पावर इन थ्री फेज क्या होगा? आर फेज की पावर प्लस वाई फेज की पावर प्लस बी फेज की पावर. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हम वी लिख लो क्योंकि वी की हैबिट होती है, वी आर वी बी एंड वी बाय टू. वी आर आई आर प्लस वी वाई आई वाई प्लस वी बी आई बी. अगर हम ये प्रूव कर पाए कि इन टू वॉट मीटर, ये जो टू वॉट मीटर है ये टोटल पावर इसकी अगर इसके इक्वल आ जाए, देन हम कह सकते हैं कि टोटल पावर कैन बी मेजर्ड यूजिंग टू वॉट मीटर मेथड. तो अब यहां पर देखो डब्ल्यू वन क्या होगा, डब्ल्यू वन क्या होना चाहिए, डब्ल्यू वन विल बी इक्वल टू, डब्ल्यू वन के थ्रू करंट कितना है आई आर. सो दिस विल बी इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाइड बाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, क्योंकि ये वोल्टेज कॉइल है. ये वोल्टेज कौन सा मेजर करेगी, वोल्टेज अक्रॉस आर फेज एंड वोल्टेज अक्रॉस वाई फेज. सो दिस विल बी इक्वल टू वी आर माइनस ऑफ वी वाई. देन नेक्स्ट कौन सा है, डब्ल्यू टू. तो डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू इसके करंट कॉइल के थ्रू करंट कौन सा है आई बी. सो दिस विल बी इक्वल टू आई बी एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होगा, वी बी माइनस वी वाई, वी बी माइनस ऑफ वी वाई. देन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू, सपोज हम कंसिडर करें दिस इज इक्वेशन नंबर वन. तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू आई आर वी आर माइनस आई आर वी वाई प्लस आई बी वी बी माइनस आई बी आई बी वी वाई. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको चेंज करते हैं इस तरीके से, तो वी आर आई आर प्लस ये वी बी आई बी माइनस, यहां से अगर हमने किया गया तो माइनस ये कॉमन है इससे वी वाई, तो वी वाई कॉमन आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा आई आर प्लस आई बी एंड वी वाई इज कॉमन. एंड फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, क्योंकि किसी भी इस पॉइंट पर, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट पर आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी विल बी इक्वल टू जीरो. सो आई आर प्लस आई बी
IR plus IP will be equal to minus of IY. So this will be equal to VR IR plus VB IB plus VY IY. If this is equation number 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, एक ही है. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 वाट मीटर कैन मेजर टोटल 3 फेज पावर.